वेलकम टू माय व्यूअर्स इन माय चैनल शीन एंटरटेनमेंट हब। और मैं आज आपकी दोस्त शीन आ चुकी हूँ आपको एक नए सफ़र पर लेकर चलने के लिए। जैसा कि हमने पहले भी वादा किया था कि हम चेरापूंजी में फिर से एक नए वाटरफॉल पर आपको लेके जाएंगे, तो आज हम फिर चल पड़े हैं और आज आपको मैं एक नए वाटरफॉल पर लेके जा रही हूँ जिसका नाम जेनेलियर वाटरफॉल है और ये भी शोरा में ही है। अगर आप यहाँ पर गुवाहाटी से आते हैं तो आपको अराउंड 143 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी होगी, जिसको कवर करने में आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे। अगर आप शिलोंग से आते हैं तो आपको 49 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी होगी, जिसमें आपको 2 आवर्स का टाइम लग जाएगा। और चेरापूंजी से यहाँ तक आने में लगभग आपको 20 किलोमीटर्स की डिस्टेंस कवर करनी होगी, जिसमें आपको लगभग 1 आवर का टाइम लग जाएगा। और अभी हम पहुंच चुके हैं जेनेलियर वाटरफॉल। अगर यहाँ पर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो व्हीकल पार्किंग के लिए आपको एक नॉमिनल सी फी पेड करनी होगी। ये पार्किंग प्लेस है और कुछ शॉप भी यहाँ पर हैं। अब चलिए जेनेलियर फॉल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ के लोकल से हम लोगों ने पूछा था कि यहाँ से कितना दूरी पर होगा जेनेलियर फॉल, कितना नीचे हमें जाना होगा, तो अराउंड उन्होंने 100 to 200 meters की डिस्टेंस बताया जिसको हमें कवर करना था। पर थोड़ा आगे जाके हमें लगा कि ये डिस्टेंस 100 या 200 तक नहीं थी, थोड़ा उससे ज़्यादा थी। यहाँ से 2 रास्ते कट जाते हैं एक वाटरफॉल के लिए और एक साइड यहाँ पर पूल बनाया हुआ है, तो हम पहले अभी वाटरफॉल की तरफ चलते हैं। लगता है अराउंड 500 मीटर टू 800 मीटर की डिस्टेंस हमें यहाँ पर कवर करनी पड़ेगी। ये वाटरफॉल के ऊपर का एरिया है और काफी लोग यहाँ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। लगता है अब हमारा ट्रैक जिसे हम काफ़ी देर से कवर कर रहे हैं, डिस्टेंस कवर कर रहे थे, वो पूरा हो गया। पर लगता है कि नहीं, अभी हमें और भी नीचे जाना होगा वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको कुछ तो रास्ता स्ट्रेट मिलेगा और उसके बाद कुछ आपको पत्थरों वाला रास्ता दिखेगा, ये जैसा कि आपको दिख रहा है, और यहीं से हमें गुजरकर जेनेलियर फॉल तक पहुंचना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं अपने फॉल तक, और लग रहा है कि हम पहुंचने ही वाले हैं। वाओ,
इट्स अमेजिंग। नेचर इतना खूबसूरत भी हो सकता है, इसको देखने के बाद सच में महसूस होने लगा। चलिए आप चारों तरफ इस फॉल को भी घूम लेते हैं। यहाँ पर इतना शांत और इतना अच्छा लग रहा था कि बस एक ही जगह हम काफ़ी देर के लिए रुक गए। यहाँ भी वाटर का फ्लो जो था वो थोड़ा कम था, क्योंकि हम यहाँ पर जनवरी मंथ में आए थे और उस टाइम पर थोड़ा वाटर फ्लो कम रहता है। और अगर आपको चाहिए कि आप अच्छे से वाटर फ्लो देख पाएँ तो आप यहाँ पर मानसून के मौसम में ज़रूर आएँ। इस वाटरफॉल के आसपास ही आपको और भी वाटरफॉल मिल जाएंगे जिनके आप विज़िट कर सकते हैं, जैसे कि लैंगसर वाटरफॉल, डैंथलैंड वाटरफॉल, माओशावा वाटरफॉल, आप इनकी भी विज़िट कर सकते हैं। उनमें से कुछ की लिंक, जैसे कि माओशावा और डैंथलैंड वाटरफॉल की लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं और उनकी इंफॉर्मेशंस ले सकते हैं, और आप आई बटन पर क्लिक कर भी इनके बारे में जान सकते हैं। हम लोग काफ़ी देर यहाँ पर बैठे और यहाँ पानी बहुत ठंडा था, इसलिए किसी तरह की बाथिंग तो यहाँ नहीं हो सकती थी। और उसके बाद हम लोग यहाँ से चल पड़े और हमारे ध्यान में था कि हमें अभी एक साइड और भी जाना है जहाँ पर पूल लिखा था, तो चलिए वहाँ पर भी चलते हैं और देखते हैं उधर क्या है। यहाँ पर ट्रैक ज़्यादा लंबा नहीं है, थोड़े से ही वॉकिंग के बाद आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो अब ये हम आ चुके हैं स्विमिंग पूल की तरफ। यहाँ पानी देखिए इतना क्रिस्टल क्लियर है कि इसके अंदर पड़े पत्थर भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर पिकनिक मनाने आ सकते हैं, और आपको यहाँ पर थोड़ा फूड फैसिलिटी नहीं है तो आपको वो व्यवस्था अपने साथ घर से ही करके लानी होगी। इस स्विमिंग पूल में आप स्विमिंग भी कर सकते हैं। तो जब भी आप चेरापूंजी आएं तो इस वाटरफॉल की विज़िट ज़रूर करें, आपको यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगेगा, आप यहाँ पर आकर बहुत एंजॉय करेंगे। तो ये था जेनेलियर वाटरफॉल, और कभी भी आप चेरापूंजी आएं तो इस वाटरफॉल की ज़रूर विज़िट करें, ये देखने में बहुत ही सुंदर लोकेशन है। और ये आपको जगह कैसी लगी, आपको ये प्लेस कैसा लगा, कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही, और ऐसी ही नई वीडियोस और नई जानकारी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और मेरी हर वीडियोस का, नई नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे उसके लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और आज के लिए बस इतना ही, और ऐसी ही नई वीडियो और एक नई जगह के साथ मैं जल्दी आपसे दोबारा मिलूंगी। और इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।